इस बार जो प्रीलिम्स 2022 होने जा रहा है, इस एग्जामिनेशन को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जब हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी छूट जाता है, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो एनवायरनमेंट छूट जाता है, एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो पॉलिटी छूट जाता है, और मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो करंट अफेयर छूट जाता है, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो बाकी सब छूट जाता है। और इतना कुछ पढ़ने को होता है कि हमें रिवीजन का भी समय नहीं मिलता है, और हम इस कंफ्यूजन में हमारा समय निकल जाता है और हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती है। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप ये चीज़ अभी नहीं मानेंगे तो 2 या 3 अटेम्प्ट देने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये मुझे पहले ही करना चाहिए था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप करंट अफेयर्स पे उतना ज़्यादा टाइम मत दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप समय देंगे तो आपका जो जीएस का कन्वेंशनल पार्ट है आपका छूट जाएगा, और जब आपका जीएस का कन्वेंशनल पार्ट छूट जाएगा तो आप प्रीलिम्स कभी भी क्लियर नहीं कर सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लें। किताबें भी बहुत पढ़ेंगे लेकिन आप एग्जामिनेशन में जाके किताबें आपको नॉलेज प्रोवाइड कर देंगी बट एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते आप उससे। तो इम्पोर्टेंट है क्या किया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ऐसे टॉपिक्स को पहले डिसाइड करें जिनमें हमें पढ़ना कम है लेकिन प्रोडक्टिविटी हमें ज़्यादा मिलेगी, या कम समय में हम जो है काम कर सकते हैं, कम समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे एरियाज को आप पहले डिसाइड करें कि वो एरियाज कौन कौन से हैं। दूसरी बात है, आप ये मान के चलें कि क्या क्या चीज़ें यूपीएससी का जो ट्रेंड है, क्या क्या चीज़ें रही हैं, किस तरीके से पूछी जाती हैं और क्या पूछा जाना चाहिए, क्या पूछा जा सकता है। इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि क्या पूछा जा सकता है। ये 2 चीज़ें डिसाइड करना जरूरी है। जब ये 2 चीज़ें डिसाइड कर ली तो कोई भी सब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं उसमें अगर हमने उन चीज़ों को डिसाइड कर लिया तो फिर आप क्या करें कि पिछले सालों के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, मतलब क्वेश्चन बैंक, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो कन्वेंशनल पार्ट है राइट, उसको हम क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस के द्वारा हम उस चीज़ को कम समय में, 1 महीने, मतलब अभी 3 महीने का समय हमारे पास है, अगर हम ये जो मैं वीडियो हूँ ये मैं मार्च, मतलब कहने का मतलब है कि आज 28 फरवरी है, आज बना रहा हूँ, मतलब आपके पास मार्च अप्रैल मई 3 महीने आपके पास, क्योंकि 5 जून को आपका एग्जाम है। तो इन 3 महीने की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारी रणनीति होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पे आप अच्छे से लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करें, और उन्हीं से ही प्रीलिम्स निकलता है, मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ। अब जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मॉडर्न इंडिया। अगर आप मॉडर्न इंडिया के लगातार टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। उसी तरीके से करंट अफेयर्स में जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनके अगर आपको MCQs मिल जाए, ठीक है, आप जितना समय पढ़ने के लिए देंगे उससे बढ़िया अगर आपको MCQs मिल जाए, और MCQs विद एक्सप्लेनेशन हो इसी साल के करंट अफेयर्स के लिए, तो आप कन्वेंशनल पार्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं, सारे कन्वेंशनल पार्ट को क्वेश्चन पेपर के साथ तैयार कर सकते हैं, और जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उसके लिए आपके पास MCQs होने चाहिए साल भर के जो भी करंट अफेयर्स हैं, और उनको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लें विद एक्सप्लेनेशन, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होना तय है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है आपके लिए? मेरा कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि मैं जो भी पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, जो जो चीज़ें एग्जाम्स में आने वाली हैं, उन सब पे मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, और वीडियोस बनाने के साथ साथ मैंने कल से स्टार्ट किया है, और साथ साथ में मैं रिटेन नोट्स भी होते हैं उसके, जो पॉइंट्स फॉर्म में होते हैं। मेरे नोट्स हमेशा ऐसा नहीं कि वो सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो, मैं हमेशा मेंस को ध्यान में रख के ही नोट्स प्रिपेयर करता हूँ। ये अंतर है कि उससे प्रीलिम्स में पूछी जाने वाली चीज़ें उसके अंदर कवर होती हैं। तो आप वीडियो देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जो जो चीज़ें पोटेंशियल पूछी जाती है, तो इससे आपका एक समय बच जाएगा, और जो नोट्स हैं जो रिवाइज करना है उनका प्रिंटआउट लेके उनको आप पढ़ सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, और MCQ सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो मैंने आपको तरीका बताया, आप इस तरीकों को फॉलो कर सकते हैं और इस बार के एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि नहीं इस बार नहीं, अब हम अगली बार देंगे, उसके अगली बार देंगे, तो ये यूपीएससी का प्रिपरेशन है, कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, कभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। हमें ज़रूरत ये होती है कि एग्ज़ाम निकालना होता है, ना कि हमें सिलेबस कम्प्लीट करना होता है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
सीसेट का पेपर कैसे क्लियर करना है इसके लिए मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको, उसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये अप्रोच मैंने आपको बताया है, आप मेरी वीडियो को लगातार देखते जाइए, जो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सब इंपॉर्टेंट चीज़ों पर मैं वीडियो कॉन्सेप्चुअल जो भी डिमांड है यूपीएससी की उस हिसाब से मैं जो है चीज़ों को समझाने को कोशिश करता हूँ। और वही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें चीज़ों को समझना है और इनको रिकॉल करना है। एग्जाम के समय नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पास कम से कम मटेरियल है और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लें और एमसीक्यू सॉल्व कर लें तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है आप जगह बना सकते हैं। और यही एक तरीका है, बाकी मुझे नहीं लगता है कि बाकी आप कितना भी पढ़ लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, आप उनको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में जाके गलतियां करेंगे, ऑप्शंस इतने ज़्यादा डिफिकल्ट बनाए जाते हैं। मतलब डिफिकल्ट का मतलब क्या है, डिफिकल्ट का मतलब ये है कि उसकी लैंग्वेज जो होती है, क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी नहीं होगी तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, स्मार्ट वर्क नहीं होगा तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं निकलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।